मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मैल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की है, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। याजक को तो चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से आप ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है, और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है। यहूदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे उससे सेनाओं का यहोवा, उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा के तंबू में से काट डालेगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तो भी तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों? इस कारण कि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ, जिसका तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है।